अब हम इसमें और हरा धनिया डालिए। देख लेते हैं कि स्टफ्ड पनीर दाल ढोकले के लिए हमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए और इसे किस तरह से बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम आटा कैसे लगाएंगे वो देखेंगे। तो यहाँ पर एक कटोरी गेहूं का आटा लिया है, 2 चम्मच बेसन, 2 छोटा चम्मच सूजी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक, अजवाइन, सौंफ और जीरा, और यहाँ पर तेल का मोर चाहिए और पानी से आटे को हमें टाइट गूंथ लेना है। तो ये सब चीजें हम आटे के अंदर मिक्स करेंगे। तो ये तो आटा लगाएंगे इस सब चीजों से। अब जो दाल होगी उसके लिए हम क्या क्या लेंगे, तो यहाँ पर अरहर की दाल है, ये तुअर की दाल भी बोल सकते हैं इसको, इसको 1 घंटे के लिए पहले भिगो दिया था। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, राई, नमक, हींग पाउडर, 2 लहसुन बारीक कटा हुआ, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कुछ करी पत्ते और प्याज। इसी तरह से हमें फिलिंग के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, पनीर, बारीक कटा प्याज, हरा धनिया, उबला हुआ आलू और थोड़े से मटर। और सजाने के लिए फिर हम काम में लेंगे टमाटर और बारीक नमकीन। तो इसे किस तरह से बनाएंगे वो भी हम देख लेते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो सबसे पहले हम इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब चीजों को। यहाँ पर आटा, सूजी, बेसन और मसाले सबको ऐड कर देना अच्छे से। और फिर हम इसमें 2 चम्मच तेल डाल देंगे मोन के लिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर इसका हल्का हल्का सा पानी डालेंगे और इसका टाइट आटा गूंथ लेंगे। इस तरह से आटे को हम लगा के रख देंगे ताकि थोड़ी सी देर अच्छे से गल जाए। तक आटा गलता है तब तक हम फिलिंग भी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लेंगे थोड़ा सा पनीर, आलू, मटर, धनिया, प्याज, नमक, मिर्च। बर्तन के अंदर थोड़ा सा पनीर लेंगे, यानी कि यहाँ पर हमें कम से कम 20 ग्राम पनीर लेना है। पनीर को अच्छे से हम इस तरह से क्रश कर लेंगे। अब हम इसमें जो बॉईल आलू है उसको ऐड कर देंगे इस तरह से, इस तरह से सबको ऐड कर देंगे। मटर को भी इसमें डाल देंगे। इनको अच्छे से मिक्स करना है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे, हल्का सा ही डालना है। थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा लाल मिर्च और इसमें बारीक कटे हुए प्याज, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है वापस। तो ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई है। इसमें हम हरा धनिया डाल देंगे काट करके बारीक, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये फिलिंग इस तरह से तैयार हो गई है। ढोकली बेल लेंगे और उसमें इस फिलिंग को भर देंगे। तो ये आटा अच्छे से गल चुका है। यहाँ पर हमें छोटी छोटी सी लोई तैयार करनी है इस तरह से। इस तरह से लोई तैयार करेंगे और इसे रोटी की तरह हम बेल लेंगे। थोड़ा सा तेल लगा लेंगे पहले और फिर रोटी की तरह इसको बेल लेंगे। अब हम इसके 4-5 पीस करेंगे। यहाँ पर हम पीस करेंगे वो किस तरह के होंगे, स्क्वायर की तरह हमें इसके पीस कर लेने हैं। पहले इसकी साइड को हम इस तरह से निकाल लेंगे ताकि एक जैसे बन सके। अब हम इसके 4 पीस कर लेंगे इस तरह से, कुछ इस तरह से, और फिर इस फिलिंग को इसके अंदर भर देंगे इस तरह से। और फिर हम यहाँ पर इसको इस तरह से प्रेस करके और इसको बंद कर देंगे इस तरह से। तो इस तरह सारी ढोकलियों को तैयार कर लेंगे। ये ज्यादा मोटी नहीं बनानी है हमें, मतलब जो रोटी बेली है वो बिल्कुल पतली होनी चाहिए। और इस तरह से हम इसको पैक कर लेंगे और फिर हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे।
तो इस तरह सारी ढोकली के अंदर हम इस पनीर वाले मसाले को अच्छे से भरना है हमें। आप चाहे तो पूरी तरह से इस तरह से निकाल दे ताकि बाहर ना निकले, और ये अगर मसाला निकल भी जाता है तो उसके अंदर दाल के अंदर आता है तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। इस तरह से हम सारी ढोकली को तैयार कर लेंगे। पर स्टक बिल्कुल कर दी हमने ढोकली को सारी को, और ये कुछ इस तरह की बन गई है। इनको हमेशा थोड़ी देर बना करके और इसी तरह से खुला छोड़ देंगे तो ये थोड़ी सूख जाएगी, तो फिर क्या होगा कि दाल के अंदर पकने में इन्हें अच्छा बनेगी, मतलब एक दूसरे की चिपकेगी नहीं, उसके अलावा ये बिल्कुल मिक्स नहीं होगी, तो ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बन जाएगी अगर हम इनको थोड़ी देर के लिए इसे सुखा देंगे। सुखाने का मतलब इन्हें थोड़ी देर इस तरह से फैलाना है। कुकर के अंदर हम पहले यहाँ पे थोड़ा सा तेल रखेंगे और तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। सबसे पहले डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग पाउडर, तेल अच्छे से गर्म होना चाहिए। उसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच राई, आधा छोटा चम्मच जीरा, हल्का सा प्याज, और जो बारीक लहसुन और हरी मिर्च हमने कर रखी है उसको इसमें डाल देंगे। और कुछ करी पत्ता, यहां पर हम इसे थोड़ी सी देर पकाएंगे। डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, अब हम इसमें डालेंगे एक छोटा टमाटर कटा हुआ, और यहां पर हम डालेंगे लाल मिर्च एक चम्मच, और हल्का सा हम यहाँ पे डालेंगे पानी। मसाले को अच्छे से पकने देंगे। इनके लिए यहाँ पर पनीर को किया था मिक्स मसाला बनाया था, उसको बचे हुए को भी हम इसी मसाले के अंदर अच्छे से पका लेंगे। इसे हम वेस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल भी, और फिर इस मसाले को अच्छे से पकने देंगे। इसे पक गया है क्योंकि इसमें से तेल निकलने लग गया, ये देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे दाल जो एक घंटे पहले भिगी हुई थी, अब हम इसको डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें और पानी डालेंगे। पानी यहाँ पे हमें जितना चाहिए उतना ऐड कर देंगे और अच्छे से बॉईल होने देंगे। इस तरह से डीप हो जानी चाहिए उतना पानी हमको इसमें ऐड करना है, और पानी जब अच्छे से बॉईल हो जाएगा तब हम इसमें ढोकली को मिक्स करेंगे। तब तक हम इसे थोड़ी सी देर ढक देंगे ताकि पानी में अच्छे से बॉईल आ जाए। अच्छे से बॉईल होने लग गया है और अब हम यहाँ पर जो एक एक स्टफ ढोकली है उसको ऐड करते जाएंगे इस तरह से। आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए, इस तरह से सबको अच्छे से अलग अलग जगह डालना है। एक बार हम इसको हिला लेंगे और फिर वापस और डालेंगे। हम इसे अच्छे से इस तरह से हिला लेंगे और फिर हम यहाँ पर कुकर बंद कर देंगे, और एक सीटी आए तब तक हमें इसको ओपन करके देखेंगे। तो ये बिल्कुल बन चुकी है और अब हम इसे पानी डालने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्कुल बहुत ही अच्छे से बन गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इस तरह से एक प्लेट के अंदर हम इसे रखेंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये खुली भी नहीं है। अब हम इसमें और हरा धनिया डालेंगे
यहाँ पे बारीक प्याज डालेंगे, बारीक नमकीन डालेंगे और बारीक कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसमें हल्का सा ऊपर और पनीर भी डाल देंगे। तो स्टफ पनीर दाल ढोकली बिल्कुल बनकर तैयार हो गई है। तो ये दाल ढोकली बिल्कुल बनकर तैयार हो गई और ये देखिए आप यहाँ पर ये स्टफ किया हुआ है पूरा, ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। इसे आप कट करके और इस तरह से खा सकते हैं। पूरा कट करने के बाद ये इस तरह से अंदर से पूरा निकलेगा फिलिंग इस तरह से। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और नए दर्शक सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू।